हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज मैं बैंगन का मसालेदार सब्जी बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। तो आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं, और आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो मैं यहाँ पे 4 बैंगन और 3 आलू ली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे अच्छे से धो के कटिंग कर लूँगी। और यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च ली है। तो मैं उसे सबसे पहले अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी, क्योंकि कद्दूकस किया हुआ सब्ज़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए तो मेरा कद्दूकस होके रेडी हो गया है। अब मैं गरम कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देती हूँ और इसमें आलू को सबसे पहले फ्राई कर लूँगी। और आलू को पूरा लाल होने तक फ्राई करूँगी। तो मेरा आलू फ्राई हो चुका है, तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा आलू कितने अच्छे से फ्राई हुआ है। और उसके बाद मैं जो बैंगन कटिंग की हूँ उसे भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और इसके फ्राई होते तक मैं मसाला भी निकाल लेती हूँ, मिक्स मसाला, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और ये जीरा गोल की पाउडर। तो मैं मसाला निकाल ली हूँ। मैं मसाला में से सिर्फ इतना ही यूज करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरा बैंगन भी फ्राई होकर रेडी हो गया। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो चलिए हम इसे अब निकाल लेते हैं प्लेट में। फिर मैं यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दी और इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी। और जीरा जैसे लाल होता है उसमें जो लहसुन, प्याज, टमाटर ये सब कद्दूकस बनाए थे उसे डाल दें। तो आप देख सकते हैं कि इसका पानी सूख गया है। तो मैं इसमें जो मसाला निकाली हुई थी उसे डाल देती हूँ और इसमें हल्का सा पानी डाल दूँगी ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। और नमक और ये मसाला को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, पूरा कलछुल को पकड़ रहा है। तो चलिए हम जो फ्राई किए थे आलू और बैंगन उसे डाल देते हैं। तो इसे हम डाल दिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें हम थोड़ा सा इसे पकने के लिए पानी डाल देंगे और इसे थोड़ा देर चला के और इसे 5-10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम सबसे पहले गैस को बंद कर लेते हैं, फिर परोसेंगे खाने के लिए। तो ये रहा मेरा सब्जी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं है लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप भी बनाइए अपने घर में इसी तरह, हल्का मसाला देकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा कुकिंग कैसा लगा, मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों एवं परिवारों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मुझे बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोगों को मुझे सपोर्ट कीजिए। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू।